अश्विनी, अश्विनीज मेजबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रन स्टाइल साबूदाना की कुरडई। साबूदाना की कुरडई गर्मी में बना के रखते हैं और पूरे साल उसको यूज कर सकते हैं। तो सर्दियां ख़त्म हो रही है और गर्मी शुरू हो रही है, तो गर्मी में हमारे सारे लेडीज़ों का काम होता है चिप्स बना के रखना, कुरडई, पापड़ वगैरह सब अचार। हम ये सारी चीज़ें एक साल के लिए बना के स्टोर करते हैं, तो वही हम साबूदाना की कुरडई बनाएंगे। फास्ट में भी यूज हो जाती है, फटाफट फ्राई करो और खा लो। उसी तरह हम अभी साबूदाना की कुरडई बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनती है, क्रिस्पी बनती है। इसमें ज़्यादा सामान नहीं है और ज़्यादा कुछ पकाने का झंझट नहीं है, ये नो कुक रेसिपी है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना की कुरडई बनाने के लिए मैंने ये 2 कप साबूदाना लिया है। ये वेट के हिसाब से 500 ग्राम है। अभी हमें इसको 6-7 घंटे भिगो के रखना है। तो अभी हम इसको बड़े बाउल में भिगोएंगे, क्योंकि साबूदाना भीगने से फूल जाता है, फिर ये छोटे में नहीं आएगा। अभी इसमें पानी डाल देंगे और एक बार हमें इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें कुछ डस्ट होता है वो निकल जाए और ये जो ब्लैक ब्लैक होता है वो भी निकल जाए। इसका पानी निकाल देना है और फिर इसको भिगो के रखना है। देखो अभी मैंने इसका पानी हटा दिया, इसको अच्छे से धो दिया है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। हमें जो जितना हमारा साबूदाना है उसके ऊपर एक ऐसी लेयर सी आनी चाहिए पानी की, कम से कम हमारा इतना ये पानी साबूदाने के ऊपर होना चाहिए। और इसको अभी ढक के हमें 6-7 घंटे रखना है। देखो अभी हमारा ये 6-7 घंटे अच्छे से साबूदाना भीग चुका है, देखो पूरा खुला खुला। अभी हमें क्या करना है, इसको पूरा खुला करना है। तो मेरे पास एक बड़ा सा प्लेट है, तो इसमें मैं इसको ऐसे पूरा ऐसे खुला खुला कर दूँगी। देखो अभी फूल के हमारा कितना बढ़ गया ये साबूदाना। अभी हमें एक किसी भी चीज़ से इसको मेजर करना है, तो मैंने ये बाउल लिया है, इससे अब मैं नाप लूँगी। ये जितना होगा उतना ही हमें पानी बॉईल करना है। तो अभी मैं ये नाप लेती हूँ इससे कि ये कितना हमारा साबूदाना फूल चुका है। तो हम जितने तक पानी भर सकते हैं उतने तक ही हमें ये साबूदाना रखना है और इसको नापना है। ये देखो मैंने एक भर लिया और अभी दूसरा। ये हमारा 2 बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो 2.5 बाउल हमारा ये साबूदाना है। तो अभी हमें पानी उतना ही लेना है, 2.5 बाउल। अभी मैं पानी ले लेती हूँ इसी से मेजर करके। देखो मैंने अभी एक बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें मैं अभी इसी से मेजर करके पानी डालूँगी। हमारा साबूदाना 2.5 बाउल है, तो मैं उतना ही पानी बॉईल करूँगी। बाद में इससे पानी थोड़ा निकाल लेना है हमें। अभी इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। इसको हमें बस एक उबाल लाना है पानी में। देखो अभी मैंने पानी उबालने के लिए रखा है, अभी हमारा पानी उबल जाएगा। उससे पहले हमें इसमें नमक डालना है, ये हमें स्वादानुसार डालना है। अगर आप ये साबूदाना की कुरडई फास्ट में खाना चाहते हो तो आप इसमें फास्टिंग का नमक डाल सकते हो, नहीं तो सिंपल भी डाल सकते हो। तो अभी मैं इसमें बड़ा 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको अच्छे से उबलने के बाद हमें इसमें साबूदाना मिक्स करना है। देखो अभी हमारे पानी में अच्छे से उबाल आया। हमें अभी गैस की फ्लेम ऑफ करके पतीले को नीचे लेना है। देखो अभी हमें क्या करना है, मैंने ये पतीला गैस से नीचे उतार के लिया है। अभी पहले हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास इतना पानी हमें निकाल के रखना है। और फिर हमें ये जो साबूदाना है, ये साबूदाना इसमें डालना है धीरे धीरे, क्योंकि ये गर्म है।
देखो अभी मैंने पूरा साबुदाना डाल दिया। अभी हमें इसको ऐसे ही 5 मिनट अच्छे से चलाना है, चलाते रहना है इसको ऐसे ही। देखो इसको अभी मैंने 2 मिनट अच्छे से चलाया है, तो ये हमारा साबुदाना देखो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अभी ऐसे इसको चलाते रहेंगे, इसकी कुरडई बनती है ना बहुत टेस्टी बनती है, और ये 2 साल तक ख़राब नहीं होती है। जो मैंने स्टेप बताया उसी हिसाब से आप बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगी। और फास्ट में भी को हमें साबुदाना किसी किसी को अच्छे से नहीं बनता है चिपचिपा स्टेप, तो ये कुरडई बना के रखने से आपका साबुदाना खिचड़ी बनाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। आप फास्ट के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें फास्टिंग का नमक डाल सकते हो। ऐसे इसको 5 मिनट अच्छे से चलाने से ये हमारा साबुदाना अच्छे से इसमें पूरा जितना पानी है वो सोख लेता है। अभी इसको हमें ओवरनाइट ऐसे ही ढक के रखना है। देखो मैंने अभी इसको 5 मिनट अच्छे से चलाया है, को हमारा ये पानी पूरा मिल्क मिल्क बन गया है और हमारा कुछ साबुदाना पूरा ट्रांसपेरेंट बन चुका है। देखो अभी हमें क्या करना है, इसको एक लीड रख के पूरा ओवरनाइट ऐसे ही रखना है। ऐसे लीड रख के ये ऐसे रख दूँगी पूरी रात, हमें इसको ऐसे ही रखना है। अब अभी सुबह हो गई है, अभी हम देखते हैं ये हमारा कैसे हो गया। देखो इसने पूरा अपना पानी सोख लिया है। अभी हम स्पून की हेल्प से इसको देख चेक करते हैं। ये देखो अभी हमें इसको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से इसको बारीक करना है। हमें इसको पकाना नहीं है या कुछ नहीं करना है। अभी मैं दिखाती हूँ। अभी देखो मेरे पास ये ऐसे वाला एक छन्नी है, इसको एक पतीले के ऊपर रख के इसमें साबुदाना डालना है और हमें इसको किसी कटोरी या जैसे कोई गोल चीज़ होगी हमारे पास पकड़ के हम उसको प्रेस करते हैं उसी से प्रेस करना है। अभी मेरे पास ये है, अभी मैं इसे ऐसे प्रेस करूँगी तो ये हमारा नीचे पेस्ट बन के नीचे आएगा। देखो अभी ये हमारा इसी तरह पेस्ट बन गया, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये इसे हमारा पेस्ट बनना चाहिए, देखो इसी तरह पेस्ट बन जाता है। अगर आपके साबुदाना में थोड़ा फार सुबह पानी रह जाता है तो आप उसको ऐसे एक छन्नी से पहले छान के साइड में पानी निकाल देना। अगर आपके पास ऐसे वाला छन्नी नहीं है तो आपके पास मिक्सी जार होने से छोटे मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा साबुदाना डाल के आप उसको भी पीस सकते हो। ये मैंने पूरा बारीक करके लिया, इसी से लिया है। आप मिक्सी जार से भी कर सकते हो जाता है बारीक। देखो अभी हमारा ये पूरा रेडी है, अभी हमें इसको कुछ नहीं करना है। अभी जो ये ऐसे होता है ना नमकीन बनाने वाला मशीन, ये मैंने ये छोटी लिया है, छोटे साइज़ का है। इसमें बड़ा भी आता है लेकिन छोटी साइज़ का जब बनाते हैं ना तो उसमें अच्छा दिखाई देता है, तो मैंने ये लिया है। अभी हमें इसमें ये जो हमने बना के एक पीस के रखा है ये हमारा मिश्रण इसमें डालना है, और हमें जितनी साइज़ की चाहिए उसी साइज़ का हम बनाना है। अभी मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ और इसको पैक करना है, इसको मैं साइड में रख देता। अभी देखो मैंने ये प्लास्टिक सीट लिया है, आप जैसे डीमार्ट की बड़ी बैग आती है चावल की और शुगर की, उसको भी कट करके आप ये प्लास्टिक सीट बना सकते हो। ये मेरे पास प्लास्टिक सीट है तो मैं इसके ऊपर डालूँगी। हमें प्लास्टिक वाले पे ही डालना है, हमारा कपड़े में डालने से ये चिपक जाएगा तो प्लास्टिक में निकालते टाइम रिमूव करते टाइम ईजी हो जाता है, तो हमें इसको ही इस पर ही डालना है प्लास्टिक पर ही, क्योंकि साबुदाना ऐसे स्टिकी स्टिकी होता है इसलिए हमें इसको इसी प्लास्टिक वाले पे ही करना है। अभी हमें इसको क्या करना है आपको बना के दिखाती हूँ। अभी इसको हमें प्रेस करते हुए इसको हमें जितना छोटा बड़ा चाहिए उतना ही लेना है। देखो
ऐसे एक बार फिर घुमाने से ये इतना बन जाता है और इतना काफ़ी है। ये साइज सही भी लगता है, फ्राई करने में भी इजी है। ज़्यादा भी बड़ा बनाने से फ्राई करते टाइम फिर ऑयल भी ज़्यादा डालना पड़ता है कढ़ाई में, और फिर वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो मैं और एक बना के दिखाती हूँ। हमें बस इसको थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ना है ताकि हमें नीचे का दिखाई दे। ये हमारा मशीन नीचे नहीं चिपकना चाहिए, नहीं तो ये पीछे पक के ऊपर आ जाएगा। देखो इसी तरह सारे बना के रेडी करना है। ये अलग हो जाता है तो इसको हटा सकते हैं हम, और इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही सुखाना है। तो ये सनलाइट में सुखाने से हमारा जल्दी सूख जाएगा, हवा में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं इसको धूप में सुखाऊंगी, और ये चलता बहुत ज़्यादा दिन है, ये 2 साल तक ख़राब नहीं होता, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और हम इसको फटाफट बना के रेडी करते। अभी मैं इसी तरह सारे बना के रेडी करती हूँ तो आपको बाद में दिखाती हूँ। इसमें कलर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप एक एक छोटे छोटे बाउल में लेके जो आपको कलर पसंद है वो भी कलर ऐड कर सकते हो। वाइट ही बनाऊँगी पूरा। तो अभी मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ और फिर बाकी जब बन जाएगा तो आपको दिखा दूँगी। देखो अभी मैंने इतना बना के लिया है, अभी इसको मैं धूप में रख दूँगी और बाकी थोड़ा बचा है वो भी बना के रेडी कर देती हूँ। देखो अभी हमने इसको धूप में रखा है, ये भी पूरा दिन ऐसे धूप में रखने से ये अच्छे से सूख जाएगा। देखो अभी मेरी सारी कुरडई बना के रेडी है। अभी मैंने इसको धूप में रखा है, ये धूप में अच्छे से सूख जाएगी जल्दी से। अभी मैं इसके ऊपर एक वाइट पतला सा एक कपड़ा डाल दूँगी ताकि इसके ऊपर कुछ डस्ट उड़ के ना आए या मक्खी ऐसे कुछ ना बैठे। मैंने एक पतला सा वाइट कलर का साफ दुपट्टा लिया है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और फिर साइड से कुछ ऐसे वेट रखना है ताकि ये उड़े नहीं हवा से। और ये फिर ऐसे धूप में पूरा दिन रखने से जल्दी सूख जाएगी। अभी देखो मैंने इसके ऊपर अच्छे से एक पतला सा कपड़ा ढक दिया है और साइड से वेट रख दूँगी। देखो ये अभी हमारी कुरडई सूख चुकी है, ये मैंने धूप में 2 दिन अच्छे से सुखाई है। तो देखो ये पूरा सूख चुका है। अभी हम इसको फ्राई करके मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हमारा ऑयल हो चुका है गर्म, मैं इसमें डाल दूंगी कुरडई। देखो ये कितने फूलती है, और ये फूलने के बाद देखो इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद, होने में भी बहुत क्रिस्पी, और ऑयल भी ज़्यादा नहीं लेती है इसमें। ज़्यादा फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, ऑयल में ही फ्राई हो जाती है ये। अभी मैं और एक दिखाती हूँ। हमारे पास कोई अचानक गेस्ट आ जाए जिसका फास्ट है और उसको हम नाश्ते में ये फटाफट फ्राई करके दे सकते हैं। देखो अभी हमने फ्राई करके लिए हैं, तो मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है देखो, और देखो पूरी तुरंत पूरा पाउडर हो जाता है इसका, बहुत टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखो कितनी बढ़िया बनी है। अगर आपको मेरी ये साबूदाना की कुरडई की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप भी ये साबूदाना की कुरडई बना के ज़रूर खाना। बहुत टेस्टी बनती है और 1 साल को आराम से ही चलती है। आप परफेक्ट तरीके से बनाओगे तो 2 साल ये ख़राब नहीं होती है। और हम फास्ट, ज़्यादातर हम लोगों को फास्ट होता है तो हम फास्ट में इसको फ्राई करके खा सकते हैं, तो ये बहुत फटाफट बन जाती है। फिर मिलेंगे हम नई और सिंपल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।